हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कांस्टेबल बनने के लिए दौड़ाए दिमागी घोड़े। पहले दिन पहली पारी में 6,200 परीक्षार्थियों ने दी परीक्षा। 3 दिन में 56,000 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। 3 परीक्षा केंद्र पर 2 पारियों में होगी राजस्थान कांस्टेबल परीक्षा। CIT तेजेंद्र प्रसाद BEd कॉलेज माधव यूनिवर्सिटी में होगी परीक्षा। SP पूजा अमाना ने परीक्षा केंद्रों का किया परीक्षण। राजस्थान कांस्टेबल परीक्षा भारी सुरक्षा लवाजमे के साथ शुरू हुई। आबू रोड ब्लॉक के 2 परीक्षा केंद्र व पिंडवाड़ा ब्लॉक के 1 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा आयोजित की गई। सुबह 9 बजे शुरू हुई परीक्षा 11 बजे समाप्त हुई। परीक्षा के दौरान भारी सुरक्षा लवाजमा तैनात रहा। परीक्षा केंद्र पर COVID-19 की पालना के इंतजाम किए गए। SP पूजा अवाना ने 3 परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया। अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। DSP प्रवीण कुमार सेन सुरक्षा की कमान संभाले रहे। वहीं द्वितीय पारी की परीक्षा अपराह्न 3 बजे से शुरू होगी। परीक्षा 5 बजे समाप्त होगी। परीक्षार्थियों के लिए रेलवे व रोडवेज की ओर से व्यवस्थाएं की गई हैं। कांस्टेबल परीक्षा के चलते आबू रोड के तेजेंद्र प्रसाद BEd कॉलेज, CIT व पिंडवाड़ा ब्लॉक के माधव यूनिवर्सिटी परीक्षा केंद्र पर सुबह से ही परीक्षार्थियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। परीक्षा के चलते पुलिस की ओर से सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए। परीक्षा केंद्रों के बाहर व अंदर खाकी मुस्तैदी से तैनात रही। परीक्षार्थियों की सकल जांच के बाद उन्हें परीक्षा केंद्र में जाने की इजाजत दी गई। साथ ही केंद्र के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर मास्क की व्यवस्था की गई। परीक्षार्थियों के सामान को बाहर ही रखवा दिया गया। प्रथम पारी में सुबह 9 बजे शुरू हुई परीक्षा 11 बजे तक जारी रही। इस दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास बैरिकेड लगा दिए गए। केंद्रों के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी व पुलिस जवान तैनात रहे। परीक्षा के तहत SP श्रीमती पूजा अवाना ने 3 परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया। SP ने 3 दिन तक चलने वाली कांस्टेबल परीक्षा 2 पारियों में आयोजित की जाएगी। पहली पारी में आबू रोड के 2 परीक्षा केंद्रों पर 1,200 व माधव यूनिवर्सिटी में 5,000 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। 3 दिन तक 3 परीक्षा केंद्रों पर 62,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। वहीं DSP प्रवीण कुमार परीक्षा केंद्र पल पल सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते रहे। परीक्षा समाप्त होते ही परीक्षार्थी दौड़ते हुए परीक्षा केंद्रों के बाहर निकले। नतीजतन परीक्षा केंद्रों के बाहर गहमागहमी की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। CIT परीक्षा केंद्र के सामने अर्बुदा फोटो कॉर्पियस एवं ई मित्र पर परीक्षार्थी अपना सामान लेने के लिए कतार में लगे रहे। इस दौरान परीक्षार्थियों का हुजूम उमड़ा रहा। करीब 300 मीटर लंबी कतार में लगे परीक्षार्थी सामान लेने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते रहे। वहीं रोडवेज की ओर से भी बसों की व्यवस्था की गई। परीक्षा केंद्र के बाहर जोधपुर उदयपुर आदि स्थानों के लिए बसें लगाई गई। परीक्षार्थी परीक्षा समाप्त होते ही बसों में सवार हो गए। 8 नवंबर तक चलने वाली परीक्षा के तहत रेलवे की ओर से भी आबू रोड से जयपुर परीक्षा स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई है। जागरूक टीवी के लिए आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।